हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर न्यूमेरिकल ऑफ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग टू. दिस इज थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट. बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. जब हम किसी रिवर में सीवेज डालते हैं तो उस रिवर की जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो कम होने लगती है. हर रिवर की कुछ ना कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसी के थ्रू जो उसमें फिशेज वगैरह होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं. जब हम सीवेज को रिवर में डालते हैं तो जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होने लगती है रिवर्स में. जो ये ऑक्सीजन डिफिशिट होती है उसके लिए रिवर्स दो काम करती हैं. मीन्स ऑक्सीजन को दोबारा गेन करने के लिए रिवर्स दो प्रोसेसेस करती हैं. टू मैकेनिज्म आर नोन टू कंट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू सरफेस वाटर. फर्स्ट वन इज़ डिजोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर है उससे ऑक्सीजन रिवर वाटर में मिलने लगती है. इस प्रोसेस को हम रीएरेशन भी कहते हैं. एंड सेकेंड इज़ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाई एल्गी फोटोसिंथेसिस. मीन्स जो रिवर में एल्गी वगैरह है वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है. बट ये जो होता है ये बहुत कम होता है. फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन होती है, मेनली जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है आके, दैट इज़ बाय रीएरेशन. सो जो रीएरेशन प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो ये है. हेयर जो एफ है वो के आर अपॉन के डी है. एफ को हम सेल्फ प्योरीफिकेशन कांस्टेंट कहते हैं. ये रिवर का सेल्फ प्योरीफिकेशन कांस्टेंट होता है. एल नॉट अल्टीमेट बीओडी ऑफ मिक्स है. मीन्स जब रिवर में सीवेज मिल जाता है उसके बाद जो अल्टीमेट बीओडी हो सकती है वो एल नॉट है. डी नॉट इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिएंट है. मीन्स जब हमने सीवेज मिलाया तो कितने ऑक्सीजन की कमी हुई रिवर में, वो डी नॉट है. डी सी क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंट है. मीन्स मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन डेफिसिट हो सकती है किसी रिवर में वो है. इससे ज़्यादा होगी तो वो पोल्यूटेड रिवर कहलाएगी. के डी है डी ऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट, यानी जब सीवेज मिला आके तो किस रेट से जो ऑक्सीजन थी वो बाहर निकलने लगी. के आर री ऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट है. मीन्स जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो किस रेट से डिसॉल्व होना स्टार्ट करेगी करती है रिवर्स में. ये जो इक्वेशन है वो हमें इन सारी चीज़ों के बीच एक रिलेशन प्रोवाइड करती है. इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना होगा. आर क्वेश्चन इज एन एनवायरमेंटल सर्वे फॉर अ टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 30,000 रिवील्ड द फॉलोइंग. किसी टाउन में एक एनवायरमेंट सर्वे हुआ, उसमें हमें कुछ बातें पता चलनी. जो डाटा हमें मिला, डैट इज डोमेस्टिक सीवेज प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 240 लीटर पर कैपिटा पर डे. उस गाँव उस टाउन में जो डोमेस्टिक सीवेज प्रोड्यूस होता है वो 240 लीटर पर कैपिटा पर डे के रेट से होता है. एंड द पर कैपिटा बीओडी ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज बीइंग 72 ग्राम पर डे. एंड जो बीओडी है उस सीवेज की वो 72 ग्राम पर डे है पर कैपिटा. इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस्ड वर एस्टिमेटेड एज 4 मिलियन लीटर पर डे. एंड उस टाउन में जो इंडस्ट्री है उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो 4 मिलियन पर लीटर पर डे है. एंड बीओडी इज़ 1500 mg पर लीटर. एंड जो बीओडी है इंडस्ट्रियल वाटर की, डैट इज़ 1500 पर mg पर लीटर. नाउ द सीवेज एफ्लुएंट कैन बी डिस्चार्ज इनटू अ रिवर विद अ मिनिमम ड्राई वेदर फ्लो ऑफ दिस वन. जो हमारा सीवेज एफ्लुएंट है उसको हम एक रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं जिसकी जो फ्लो है दैट इज़ 4500 लीटर पर सेकेंड है. एंड सेचुरेटेड डीओ जो है, मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन है, दैट इज़ 7 mg पर लीटर. इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन अ डीओ कंटेंट ऑफ 4 mg पर लीटर. हमें उस रिवर का 4 mg पर लीटर ऑक्सीजन डिजॉल्व रखनी ही रखनी है उसमें. एंड जो इनिशियली है दैट इज़ 7 mg पर लीटर. नाउ फॉर दिस वी हैव टू डिज़ाइन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. हमें इस गाँव के लिए, इस टाउन के लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करना है. इसके लिए हमें क्या डिटरमाइन करना होगा? वी हैव टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द सीवेज. मीन्स सीवेज को हमें कितने डिग्री ट्रीटमेंट देना है, कितना साफ़ करना है उसको बिफोर उसको जो हम डिस्पोज करें रिवर में, उससे पहले हमें कितना साफ़ करना है वो हमें निकालना है. नाउ के डी इज़ गिवन 0.1 लीटर पर, सॉरी 0.1 पर डे. एंड के आर इज़ गिवन 0.3 पर डे.
एंड ओवरऑल एक्सपेंशन फैक्टर टू बी फैक्टर ऑफ 10% टू बी प्रोवाइडेड, और एक जो एक्सपेंशन हो रहा है वो 10% का होता है। सो हमारा मोटिव है कि हम ट्रीटमेंट कितना देना है वो निकालें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा इनिशियल सीवेज है उसकी BOD निकालनी होगी, एंड देन उस सीवेज की BOD निकालनी होगी जो हम रिवर में डिस्पोज करेंगे। लेकिन कंडीशन ये रहनी चाहिए कि जो रिवर की DO है वो 4 mg/L मेंटेन रहे, देन उसकी हेल्प से हम ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट निकालेंगे। सो पॉपुलेशन इज़ दिस वन, सीवेज इज़ दिस वन, एंड BOD इज़ दिस वन। तो हम टोटल सीवेज निकाल लेंगे, दिस वन इज़ टोटल सीवेज, एंड टोटल BOD निकाल लेंगे, सीवेज की टोटल BOD क्या है। इसके हेल्प से हम जो हमारा अनट्रीटेड सीवेज है इसको अभी हमने ट्रीट नहीं किया, उसकी BOD निकाल लेंगे पर लीटर, मीन्स BOD पर लीटर निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, टोटल BOD ये अपॉन टोटल जो डोमेस्टिक सीवेज है दैट इज़ दिस वन, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो डोमेस्टिक सीवेज है उसकी BOD पर लीटर मिल जाएगी। नाउ जो हमारा इंडस्ट्रियल वाटर है वो उसका फ्लो ये है, एंड BOD जो इंडस्ट्रियल वाटर की है वो ये है। इससे हम क्या करेंगे, जो इंडस्ट्रियल वाटर प्लस डोमेस्टिक वाटर टोटल का जो BOD होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस जब हम कोई चीज़ मिक्स निकालते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, उसके लिए फार्मूला जो BOD मिक्स का है वो ये होता है। सो हमारे नेट BOD ऑफ मिक्स यानी जो टोटल सीवेज है उसकी BOD क्या होगी, CS मीन्स BOD ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, QS मीन्स डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, CI मीन्स BOD ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज, QI मीन्स डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज अपॉन QS प्लस QI। सारी वैल्यूज हमें पता है, हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी गेट 7 to 8.57 mg/L, मीन्स जो टोटल सीवेज है डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल उसकी जो BOD पर लीटर है डैट इज़ 7 to 8.57। नाउ हम टोटल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज निकाल लेंगे, इंडस्ट्रियल प्लस डोमेस्टिक दैट इज़ 129.63 L/s। टोटल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज विथ 10% एक्सपेंशन, हमें पता है 10% एक्सपेंशन हुआ है तो उसमें हम 10% एक्सपेंड कर देंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे। इसके लिए हमें 1.1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, एंड हमें पता है रिवर डिस्चार्ज हमारा ये है। नाउ इनिशियल जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है रिवर की वो 7 mg है, एंड हम मान लेते हैं जो हमारे सीवेज है उसमें कोई डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स 0 mg/L है। नाउ जो हमने सीवेज को रिवर में मिलाया तो जो हमारा मिक्स बनेगा रिवर में उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी। जब हम सीवेज को रिवर में मिलाएंगे ना तो कुछ ना कुछ डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होगी वो कम ही होगी, इनिशियल 7 थी, नाउ कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, डैट इज 6.785 mg/L हो जाती। इसको भी निकालने के लिए जो हमने ये ऊपर मिक्स वाला फार्मूला लगाया था वही लगाएंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ सीवेज, फिर फ्लो ऑफ सीवेज जो डिस्चार्ज है सीवेज का, प्लस डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर एंड डिस्चार्ज ऑफ रिवर अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे, एंड वी गेट 6.785 mg/L। मीन्स हमारी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो कुछ कम हो गई है, इनिशियल डेफिसिट इन CO एंड DO, यानी DO में डिजॉल्व ऑक्सीजन में इनिशियली कितना कमी आई दैट इज़ 0.215 mg/L। नाउ क्रिटिकल डेफिसिट इन DO मीन्स कितनी आ सकती है, कितनी तक हम ला सकते हैं, डैट इज़ 7-4 जो है हमें पता है ना, उसमें दे रखा था कि 4 mg/L ही, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि जो हम नेसेसरी है मेंटेन करना दैट इज़ 4 mg/L। सो जो क्रिटिकल डेफिसिट है यानी मैक्सिमम जो डिजॉल्व ऑक्सीजन में डेफिसिट हो सकता है डैट इज़ 7-4, 3 mg/L। हमें पता है सेल्फ प्योरीफिकेशन फैक्टर जो है दैट इज़ KR/KD, हमें KR एंड KD दोनों की वैल्यू दे रखी, इससे हमें F की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज़ 3। नाउ इस फॉर्मूले की हमें सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, F की वैल्यू हमें पता है, DC की वैल्यू पता है, D0 की वैल्यू पता है, तो हम L0 मीन्स अल्टीमेट जो BOD होगी मिक्स की वो निकाल लेंगे। सारे टर्म्स हमें दे रखे हैं, सिर्फ L0 नहीं दे रखा है, तो सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके हम L0 की वैल्यू निकाल लेंगे।
नाउ इस इक्वेशन में जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, डी सी की वैल्यू 3 है, एफ़ की भी वैल्यू 3 है एंड डी नॉट की वैल्यू 0.215 है। नाउ हमें एल निकालना, एल नॉट या एल कह सकते हैं हमें वो निकालना। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दिस वन एंड देन वी गेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, 3 डिग्री इक्वेशन है, इसमें हमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ 15.29 mg पर लीटर। मीन्स जो हमारा मिक्स हो गया है, मिक्स है, उसकी जो अल्टीमेट VOD है वो इतनी हो सकती है। मीन्स जो सीवेज प्लस रिवर वाटर है उसकी अल्टीमेट VOD इतनी हो सकती है। नाउ अब हम BOD5 ऑफ मिक्स भी निकाल सकते हैं, जो मिक्सचर की BOD5 होगी, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे एंड वी गेट 10.51 mg पर लीटर। ये BOD5 है उस मिक्सचर की जो रिवर प्लस सीवेज होगा। नाउ लेट BOD ऑफ सीवेज आफ्टर 5 डेज इज ये ट्रीटेड सीवेज होगा। मीन्स जो हम अपने प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके सीवेज मिलाएंगे, उसकी जो BOD है उसको हम CS मान लेते हैं। नाउ BOD मिक्स हमें पता है एंड CR की वैल्यू भी पता है एंड QR भी पता है, QS भी पता है एंड जो CR होता है, मीन्स इनिशियली हमें जो हमारी रिवर होती है वो उसमें कोई भी सीवेज होता नहीं, इसलिए उसमें कोई भी BOD की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट इज़ BOD यहाँ पे जो होगी रिवर की, डेट वो जीरो हो जाएगी होती है। सो आफ्टर पुटिंग ऑल दी वैल्यूज वी गेट BOD ऑफ ट्रीटेड वाटर, ट्रीटेड सीवेज इज 342.2 mg पर लीटर। मीन्स जो सीवेज हम रिवर में डालेंगे उसकी BOD इतनी होनी चाहिए। एंड हमने अनट्रीटेड सीवेज की वैल्यू पहले फाइंड की थी, दैट इज 7.28.57। ये जो BOD इतना कम हुआ है, ये हमने ट्रीटमेंट के थ्रू ही इतना कम किया है इसे। नाउ हम आराम से डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक्सपेंशन फैक्टर को निगलेक्ट किया है। इनिशियल BOD दैट इज 7.28.57 एंड फाइनल BOD दिस वन अपॉन इनिशियल BOD। सो वी गेट 53.03%। मीन्स जो हमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो 53.03% रिक्वायर्ड है। इसी हिसाब से जो हम अपना ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करेंगे, वो इतनी कैपेसिटी का ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू।